दोस्तों, धोनी को अगर महान कप्तान मानते हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर पांचवी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। जीत के बाद धोनी ने जडेजा के साथ जमकर झूमकर जश्न मनाते नजर आए। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद में खेला गया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रनों का लक्ष्य चेन्नई के सामने रखा था। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छी शुरुआत की। कान्वे ने ताबड़तोड़ 25 गेंदों पर 47 रन बनाए। अजिंक्य रहाणे ने भी ताबड़तोड़ 27 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिर के ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी और गुजरात के लिए गेंदबाजी कर रहे थे मोहित शर्मा। उन्होंने सटीक लाइन रखते हुए पहली चार गेंदों पर महज 3 रन देकर महत्वपूर्ण एक विकेट लिया, जिसके चलते चेन्नई को जीत के लिए 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी। सारे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया था। धोनी भी परेशान दिख रहे थे। मोहित शर्मा की पांचवी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने क्रीज के एक कदम पीछे जाके छक्का जड़ दिया और आखिरी गेंद पर जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए थे 4 रन। पहली बार मोहित शर्मा दबाव में दिखे। उनकी ये गेंद लेस्टम की ओर जा रही थी, तभी जडेजा ने सिर्फ उसको दिशा देकर चौका लगाया और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवी बार खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई। सभी खिलाड़ी और फैन जश्न में डूब गए। तभी एक वाकया हुआ। धोनी ने ऐसा जश्न कभी आईपीएल के इतिहास में नहीं मनाया होगा। जब जडेजा जीत के साथ धोनी के पास दौड़ते हुए पहुंचे, धोनी ने जडेजा को गोद में उठा लिया। धोनी का जडेजा को गोद में उठा लेना फैंस के लिए भावुक करने वाला लम्हा रहा। आईपीएल ने जडेजा और धोनी का ये वीडियो ट्वीट किया है। दोस्तों, धोनी और जडेजा की दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, धोनी को अगर आप महान कप्तान मानते हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।